एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। खाने पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो खामखा आपको इंसुलिन पर जाना पड़ेगा। देखिए मैं आपका ब्लड शुगर अभी चेक कर लेता हूं। लाइक जस्ट बी अ स्मॉल डॉक्टर। चल भाई, उठ भाई, ये क्या हो रहा है? चलो चलो चलो, नहीं भाई जी, बात करना है भाई, टाइम बंद हो गया, क्या चीज हो रही है? अभी जाओ, अभी जाओ, कौन है डॉक्टर साहब? आप? अरे आप हैं, हम लोग वहाँ जो सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था। देखिए भाई साहब, हमने तो उसी दिन आपसे कहा था कि पुलिस को बुला लेते हैं, बल्कि मैंने तो यहाँ भी कहा था कि गैराज चले चलते हैं। आप ही ने मना किया था कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। आप जितना भी नुकसान हो गया है, गाड़ी के लिए नहीं, पेशेंट को लाए हैं। इमरजेंसी केस है क्या? इमरजेंसी? अच्छा, कहाँ है, कहाँ है पेशेंट इमरजेंसी का? क्या नहीं दिया 50 पेटी? हाँ देख, अगर शाम तक नहीं दिया ना तो 6 के 6 डाल देना साले के भेजे में, समझा? तो ये आपको इमरजेंसी केस दिख रहा है? अच्छा खासा हेल्दी इंसान है, खुद चल करके आया, इसे आप इमरजेंसी कहते हैं? मतलब कंधे पे आएगा, स्ट्रेचर पे आएगा, तभी इमरजेंसी होगी। भेजा फाड़ के गोली से टपक के आएगा, तब देखेंगे। भाई साहब, मुझे आपकी ये सब नॉनसेंस जो है, ये मुझे सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब, चलिए बाहर, चलिए बाहर निकलिए अब एकदम। एक मिनट, शाम को मिलते हैं। आप बाहर निकलिए, बाहर लाइन है, जब आपका नंबर आएगा तब पता चलेगा, समझा? हाँ, लाइन बीन सब क्लास क्या? इनको देखते ही सब भाग गए हैं, इनको देख करके चले गए। कौन है ये? कौन है आप भाई साहब? आप कोई डॉन है? आप भाई हैं? आप तो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आप बाहर क्यों जाएंगे? आप तो अंदर आएंगे। आइए आइए, अंदर आइए ना, आइए, आप अंदर रहिए। और आप आएंगे भी क्यों? आपको मुझे फोन कर देना चाहिए था, मैं आ जाता। आप रुक क्यों गए? आप चलिए, आप बिल्कुल चलिए, आप यहाँ तक चल के आइए, यहाँ आइए। और आप खड़े हो, आप बैठ जाइए, एकदम बैठ जाइए। नहीं नहीं, मैं क्यों बैठ रहा हूँ? आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए जी, बैठ जाए भाई, तू भी बैठ जा जी। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मतलब, क्या तकलीफ, क्या आपको, मैं क्या क्या हुआ क्या आपको? डॉक्टर साहब, आप उनका एक दोस्त है, आप उनकी लाइन का है। 2 दिन से सालाना वो हिलेली पार्टी हो गए। हिलेली? बीमार? हाँ वही 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 बीमार है, बीमार। अच्छा बीमार, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप दोनों इनके साथ वादा ले। नहीं भैया, बीमार, आपके लाइन के लोग भी बीमार हो जाते हैं। मेरा मतलब बीमार है आपके दोस्त, आपके दोस्त को तकलीफ हो गई है। कुछ लोगों को तो आपको देखकर तकलीफ हो जाती है। तो क्या? है? वैसे वैसे हुआ क्या उन्हें? डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले वो एक आइटम से टकराया, बस उसके बाद उसकी जिंदगी खलास। ये बोलना, उसको हर जगह ना वही लड़की नजर आती है। ए डॉक्टर साहब, सपने में भी वही छोकरी नजर आती है, आँख खोलते छोकरी सामने खड़े ली। जितना भी ट्राई मारो पर भागती नहीं है। धंधा खराब हो गया उसका। अरे ना किसी को मार सकता है, हाथ पैर नहीं तोड़ सकता, गोली नहीं चला सकता। बस 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 यार। डॉक्टर साहब, आप उनके हिसाब से तो उसकी तबीयत बहुत खराब है, बाकी आप डॉक्टर हैं, आप जाने। वो तो मैं हूँ, मैं तो हूँ डॉक्टर। You see, there is no problem. कोई problem नहीं है, उनको कुछ नहीं हुआ। ए, क्या कुछ नहीं हुआ है? वो दिन भर सो नहीं सकता, तुम बोलता है कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर, दिल धड़कता है, हाथों में लर्जिश होती है, कांपते हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब नहीं था कि वो बीमार नहीं है। मेरा सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो आपके दोस्त हैं, उनकी शादी हो गई? नहीं, कोई लड़की। कोई लड़की वड़की का चक्कर नहीं है भाई, लंगोट का बहुत पक्का। नहीं पक्का भाई साहब, ये जो आपके दोस्त है, उनकी ये जो ये दिखने में कैसी है? अरे डॉक्टर साहब, मस्का है, मस्का मस्का है, यानी ब्यूटीफुल। नीली नीली आंखें, गोल्ड कलर का है ना उसका बाल है। डॉक्टर साहब, आप उनके हिसाब से उसने उससे खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं है। देखिए, आपके दोस्त को तो एक बहुत ही खूबसूरत बीमारी हुई है, ऐसी बीमारी हुई है जिसका इंतजार हर इंसान को होता है। आपके जो इधर आइए, आपके जो दोस्त हैं, इनको जो बीमारी हुई है उसका नाम है प्यार। और एक बात बताता हूं आपको कॉन्फिडेंशियली, आपका दोस्त कोई और नहीं, आप खुद हैं। mm.
कमल के डॉक्टर है आप। थैंक यू डॉक्टर वेरी मच। मैं क्या हो सकता हूँ, मैं क्या अच्छा हो सकता हूँ, मैं तो बोला ना बहुत अच्छे है, बोला ना। अच्छा मैं चलता हूँ, चलता हूँ, थैंक यू निकलता हूँ ये चल। बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हैंडसम, सॉरी टॉम तो भूल गया। नर्स जरा मेरा बीपी चेक करना। मास्टर नीचे। मैं मुन्नू मोबाइल और मैं पप्पू पेजर। जी कहिए। भाई को तुमसे बहुत प्यार हो गया, इसलिए हम तुमको उठाने के वास्ते आया है। तकलीफ माफ। ये क्या कर रहे हैं? चिल्लाने का बिल्कुल नहीं, चिल्लाएगा तो छोएगा नहीं। आप भाई के पास चलो, उधर बैठ के प्यार मोहब्बत से सब सेटल करो। भाई आपका इलाज लेके आ गए हम, बगैर तोड़े फोड़े हिफाजत के साथ लाया हूँ क्या? भाई मुबारक हो, बस 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 मुबारक भाई। मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक नंबर के गुंडे और बदमाश हो। मास्टर नहीं खबरदार, जो भाई को कुछ बोला तो। भाई ये चांद की चांदनी, भाई को भाई मत बोल, वरना भाई को हनीमून की जगह रक्षाबंधन मनाना पड़ेगा। अरे ऐसे गुंडे मवाली को मैं प्यार तो क्या, कभी नफरत भी ना करूं। क्या हुआ भाई, फिर से सपने में आई क्या? चाटा मारी। ये भाई ये लड़की बहुत भारी पड़ रही है। भाई उस टेलकम पाउडर को मैं अभी उठा के लाता हूँ। चल चल चल। नहीं यार, ये जो उठाने का काम है ना, ये अपुन का नहीं है। ये आइडिया है ना तुम लोगों का नहीं है, ये आइडिया है ना अपुन को, वो डॉक्टर ही देगा, समझा? पेशेंट को आना चीजें दिए कितनी देर हो गई? जी 3-4 मिनट हो गए। राइट। चल भाई डॉक्टर, चलो चलो ऑपरेशन करो, चलो चलो चलो। अरे आपको क्या था? अरे भाई बीमार बार खड़ा है, उतार भाई। लेकिन ये तो ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? चल भाई पेशेंट उठ, तेरा ऑपरेशन खत्म। अरे भाई ये बेहोश है, ये कैसे उठेगा? ये डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ बेहोश है, भाई की तो जिंदगी का सवाल है, वो मर जाएगा। जिंदगी का सवाल है लेकिन इसकी जिंदगी का क्या? चलिए ना, बोला ना एक बार, बोल दिया तो बोल दिया। चलिए चलिए मैं दरवाजा खोलता हूँ आपके लिए। तुमको काटना वाटना जो एक कर डालो। नहीं डॉक्टर, अभी मेरे को कुछ नहीं सुनने का, अभी चुप। वहाँ मेरा पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर, देखो ना वो है मुन्ना भाई, देखो। अरे मुन्ना भाई ये क्या हो रहा है? मुन्ना भाई क्या ये मुझे काम करने देंगे आपके? नहीं अरे ये भी तो काम है ना डॉक्टर साहब। हाँ काम है लेकिन तकलीफ क्या? देखिए आपने मुझे बीमारी बताई कि मुझे प्यार हो गया, हाँ, लेकिन उसका इलाज कहाँ बताया? इलाज? हाँ इलाज तो बताया नहीं। देखिए देखिए ऐसा है कि जिस आदमी को प्यार हो जाता है उसका इलाज भी प्यार होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको जिस लड़की से प्यार है उसके बारे में आपको जानते हैं? हाँ तो जाने की कोशिश कीजिए, उसके नजदीक जाने की कोशिश कीजिए, उसे रिझाने की कोशिश कीजिए, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कीजिए, और जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाने लगेंगे वैसे वैसे आपकी बीमारी भी दूर होती चली जाएगी। भाई भाभी को रिझाएंगे, पटाएंगे, उनको घुमाने ले जाएंगे और गाना भी गाएंगे। भाई मैं चलता, मेरा ऑपरेशन रुका हुआ। जाइए जाइए गले लग जाओ। कमाल का डॉक्टर है यार, कमाल का डॉक्टर है यार। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी। अरे दिल लड़का हो गया यार।